33rd सीनियर नेशनल सेपेक्टेक्रो चैंपियनशिप के इस उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित सम्मानीय श्री दहिया जी, श्री प्रेमराज जी, श्री वीर गौड़ा जी, विपिन कामदार जी, योगेंद्र पांडे जी, ललित जीवानी जी, श्रीमती तृप्ति कामदार, हमारे नागपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर, श्री शेखर पाटिल, श्री धनंजय गुड़कर, श्रीमती धात्रक मैडम, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी खिलाड़ी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले देश के भिन्न भिन्न राज्यों से नागपुर में पधारे हुए सभी खिलाड़ियों का महाराष्ट्र सरकार की ओर से यहां पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ये बहुत खुशी की बात है कि पूरे देश का सेपक टकरो एसोसिएशन नागपुर में मौजूद है। हमारे मित्र गोवा के एक्स डिप्टी सीएम बाबू कवलेकर जी भी यहां पर है, उनका भी विशेष रूप से मैं स्वागत करना चाहता हूं। और जैसा कि बताया गया कि भारत में इस खेल की शुरुआत ये नागपुर से हुई है, तो नागपुर एक प्रकार से भारत के लिए इस खेल की जननी है। और दहिया जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो नागपुर में शुरू होता है वो देश में बड़ा ही होता है, वो हिट ही होता है और देश में फैलता भी है। ये नागपुर की अपनी खासियत है। और जैसा हम सब लोग जानते हैं कि विशेष रूप से साउथ ईस्ट एशिया से एक प्रकार से इस खेल की शुरुआत हुई और उसके बाद कई शतकों तक खेला जाने वाला ये खेल अपने एक मॉडर्न स्वरूप में पहुंचा और इसको एशियाड में भी शामिल किया गया। और आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत के खिलाड़ियों ने इस खेल में बहुत ही अच्छी महारत हासिल की और हम लोगों ने पिछले एशियाड में ब्रॉन्ज मेडल मिलाया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा खेल है कि जिसको भारत के खिलाड़ी अपने देश का नाम इस खेल में ऊंचा कर रहे हैं। वैसे मैं ऐसा मानता हूं कि अपने आप में एक बहुत कठिन इस प्रकार का यह खेल है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के खेलों को अगर हम देखें और इसके मिक्स को हम देखें तो एक थोड़ा नेचुरल इंस्टिंक्ट जो होता है हमारे हाथ से खेलने का, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हमारा होता है, जो हम वॉलीबॉल में खेलते हैं, बैडमिंटन में खेलते हैं, टेबल टेनिस में खेलते हैं, एक पैरों का जमीन पर खेलने का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है जिसे सॉकर या फुटबॉल में हम लोग खेलते हैं। लेकिन अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के खिलाफ ये गेम ऐसा है कि जिसमें हम पैरों से खेलते हैं लेकिन ग्राउंड के ऊपर खेलते हैं, ग्राउंड पर नहीं खेलते, और हाथ का इस्तेमाल किए बिना हम नेट के पार उस बॉल को ले जाकर पॉइंट कवर करने की कोशिश करते हैं और नेचुरल इंस्टिंक्ट जो हाथों का होता है उसको छोड़कर बाकी चीजों का इस्तेमाल इसमें करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इस खेल में बहुत ज्यादा है और तंदुरुस्ती बहुत आवश्यक इस खेल के अंदर है। मैं ऐसा मानता हूं कि फिटनेस इस खेल का एसेंस है, इसलिए हमारे जो सारे खिलाड़ी यहां पर है, मुझे विश्वास है कि अपने फिटनेस के आधार पर जिन जिन राज्यों से वो यहां पहुंचे हैं उन सभी राज्यों का नाम ऊंचा करने का, उज्जवल करने का प्रयास ये सारे खिलाड़ी करेंगे।
और मेरा विश्वास भी है कि आने वाले दिनों में एशिया से लेकर जितनी चैंपियनशिप होगी इन सब में हमारे देश का, हमारे भारत का डोमिनेंस ये हमको देखने को मिलेगा और हमारे खिलाड़ी भारत के लिए मेडल्स भी जीतेंगे और सम्मान के साथ हमारा तिरंगा ऊंचा होता हुआ इन सारी चैंपियनशिप में हमको देखने को मिलेगा। अभी अभी दैया जी ने अपेक्षा व्यक्त की कि यहां पर सेपक टेकरा की एकेडमी भी शुरू हो, क्योंकि नागपुर उसकी जननी है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पूरे नए रूप से डेवलप करने का काम हमने हाथ में लिया है, करीब 300 करोड़ रुपए हम उसको दे रहे हैं। अभी यहां पर हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ भी हम लोग बना रहे हैं। ऐसे समय मैं ऐसा मानता हूं कि आपके मार्गदर्शन में जो हमारा नेशनल एसोसिएशन है, जो स्टेट एसोसिएशन है, मैं हमारे विपिन इटनकर जी जो हमारे कलेक्टर है, कलेक्टर विशेष रूप से इस डेवलपमेंट को ओवरसी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में ये सारा डेवलपमेंट यहां हो रहा है और साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर और सारी टीम यहां पर है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जरूर हमारे नेशनल एसोसिएशन और स्टेट एसोसिएशन के साथ बैठकर सेपक टकराव के लिए जो भी सुविधाएं आवश्यक है, उसकी एकेडमी शुरू करने के लिए जो भी व्यवस्थाएं करने की जरूरत है, उसके बारे में चर्चा करें और निश्चित रूप से उसको यहां पर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। चूंकि नागपुर ये सेपक टकराव की जननी है, तो यहां पर पूरे देश के लोग बेस्ट ऑफ द टेक्निक, बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग के लिए आए। ये जो आपकी इच्छा है, इसको पूरा करने का काम आने वाले दिनों में करने का प्रयास हम करेंगे। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र एसोसिएशन का विपिन जी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने नागपुर में इसका आयोजन किया, और अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि एसोसिएशन ने हमारे खिलाड़ियों का अच्छा ध्यान रखा ही होगा। खिलाड़ी जब यहां से जाए तो नागपुर की यादों को लेकर जाए, इतना ही आज के मौके पर कहता हूं। फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मे द बेस्ट टीम विन, मे द बेस्ट प्लेयर गेट द मेडल, इतना ही आप सभी को शुभकामना देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।